दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरेली त्यौहार के बारे में। जी हाँ, हरेली पर्व क्या है, यह क्यों और किस प्रकार से मनाया जाता है, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा मेरे ग्राम सरढ़ी का हरेली त्यौहार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश धुबल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश ब्लॉग पे। हरेली त्यौहार, हरेली मतलब हरियाली और त्यौहार मतलब होता है पर्व। जी हाँ, यह हरियाली शब्द का छत्तीसगढ़ी रूप है। हरेली त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है और सावन में सभी ओर हरियाली ही हरियाली रहती है। इस समय सभी किसान खेतों में धान लगाने का कार्य करते हैं। हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पहला त्यौहार किसानों का होता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रमुख त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। हरेली के दिन सभी किसान खेतों में काम आने वाले औजारों को धोकर एक जगह एकत्रित करके उसकी पूजा की जाती है। साथ ही ग्रामवासी अपने ग्राम देव और कुल देवता की भी पूजा अर्चना करते हैं। हरेली के दिन अगर खास पकवान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई घरों में ठेठरी, कुर्मी और साथ ही मुख्य रूप से गुड़ एवं चावल का चीला रोटी बनाया जाता है, जो कि खाने में अति स्वादिष्ट होता है। हरेली के दिन छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर गेड़ी दौड़ एवं गेड़ी लोक नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और साथ ही शहर के कई जगहों पर नायल फेंकने का खेल भी खेला जाता है। हरेली के दिन गांव एवं शहरों के सभी घरों में नीम के पत्ते लटकाए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने पर उस घरों में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। दोस्तों, मेरे ग्राम का जो आज हरेली त्यौहार मनाया गया, मैं वहां पे गया भी हुआ था कुछ क्लिप वगैरह शूट करने पर, वहाँ का जो पूजा पाठ का माहौल था, मैं उसको देख कर थोड़ा सा उचित नहीं लगा, जिस कारण से मैंने कुछ ज़्यादा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। फिर भी मैं कुछ थोड़े से क्लिप मैंने लिया हुआ है, तो अपने शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे ग्राम सरढ़ी के देवतागुड़ी में समस्त ग्रामवासी प्रसाद एवं पूजा सामग्री के साथ दोपहर को सभी एकत्रित होते हैं। समस्त ग्रामवासी एकत्रित होने के पश्चात परंपरागत तरीकों से ग्राम देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इसी प्रकार हमारे गांव का हरेली त्यौहार संपन्न होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। दोस्तों, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं हरेली का जो आज त्यौहार था, मैं बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ यह वीडियो बनाने वाला था, पर मेरा एक कैमरा भी नहीं आ पाया सही समय पर और मैं आप लोगों को गांव का जो हरेली का जो त्यौहार था उसका ज़्यादा क्लिप मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे ही बताया कि वहाँ पूजा पाठ का माहौल था, मुझे थोड़ा सा वहाँ उचित नहीं लगा कि ये सब शूट करना, इसीलिए मैंने ये सब आपको नहीं दिखाया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही।